हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं न्यू टॉपिक के साथ वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, वॉइस होता क्या है? तो वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जिसमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है या सब्जेक्ट पे ही कुछ घटित होता है, वही क्या होता है, वॉइस कहलाता है। तो वॉइस कितने तरह का होता है? यहाँ पे वॉइस को दो तरह यानी कि दो पार्ट में बांटा गया है। एक क्या है? एक्टिव वॉइस। एक क्या है? पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा था, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस कौन सा होता है? पैसिव वॉइस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट स्थिर रहता है, यानी सब्जेक्ट पे किसी और के द्वारा काम किया जाता है, क्या हुआ? पैसिव वॉइस हुआ। अब एग्जांपल को देखिएगा, आई इट ब्रेड। यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट जो है, ब्रेड खाने का, यानी कि खुद काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, एक्टिव है। और ब्रेड इज इटेन बाय मी, यहाँ पैसिव में देखिए ब्रेड इज इटेन बाय मी, और यहाँ पे ब्रेड क्या है, किसी और के द्वारा खाया जा रहा है, यानी कि ब्रेड क्या है मेरा, यहाँ पे स्थिर है। तो ये क्या हुआ? पैसिव वॉइस। अब एक और एग्जांपल देखिए, मोहन इज बीटिंग, ये मेरा एक्टिव वॉइस में है, और मोहन पैसिव वॉइस में देखिएगा, मोहन इज बीइंग बीटेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस को समझिए, तो मोहन यहाँ पे पीट रहा है, यानी कि मोहन खुद एक्शन कर रहा है, यानी मोहन खुद एक्टिव है, और यहाँ पे मोहन पिटा रहा है, यानी मोहन किसी और के द्वारा पिटा रहा है, तो मोहन यहाँ पे क्या है, पैसिव है, स्थिर है, किसी और के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है मोहन पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखेंगे कि आप एग्जाम में जो दिया रहेगा, एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, पैसिव बदलना पड़ेगा, या पैसिव वॉइस दिया रहता है, एक्टिव में चेंज करना होता है। तो ये कैसे चेंज हुआ, देखिएगा ध्यान से। आई इट ब्रेड, तो यहाँ पे ब्रेड इज इटन बाय मी। अब ये कैसे हुआ, तो देखिएगा, ये मेरा आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, इट मेरा क्या है, वर्ब है, और ब्रेड मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेड, और फिर इसके बाद इज लगाते हैं, जब मेरा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में रहता है तो इज एम आर लगाते हैं, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का कौन सा रूप होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हुआ, इटेन, और किसके द्वारा, तो बाय मी, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव क्या क्या केस होना, मी। अब ये मी कैसे हुआ, इज यहाँ कैसे हुआ, ये सब आपको अभी डिटेल से बताएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, मोहन इज बीइंग बीटेन, मोहन इज बीइंग बीटेन, यहाँ सॉरी, मोहन इज बीटिंग, इसको चेंज करेंगे, मोहन इज बीइंग बीटेन, तो मोहन पे ही क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। तो जब भी इज एम आर यहाँ पे कंटिन्यूअस में रहे, तो कंटिन्यूअस में आईएनजी बीइंग लगता है, कंटिन्यूअस में क्या लगता है, बीइंग लगता है। अब देखिए कुछ यहाँ पे ए, मी कैसे हुआ, अस कैसे होता है, हिम कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ सब्जेक्टिव केस है और कुछ क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर मेरा आई रहे तो मी में चेंज होता है, किसमें बदलता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी में बदलता है। अगर मेरा सेंटेंस में वी सब्जेक्टिव रहे तो मेरा ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा। फिर देखिए अब नेक्स्ट, यू का मेरा क्या बनेगा, यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस, अगर ही अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट में है तो आपका ऑब्जेक्टिव केस मिम बनेगा। सी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम बनेगा, हु का बाय हुम बनेगा, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में यानी सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू ही सी इट दे रहे, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम, हु का बाय हुम में हम चेंज करेंगे। नोट देखिएगा, नोट में यदि सब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, दे, पीपल, इटीसी रहे, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में इसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी कहीं भी आपका जब सब्जेक्ट के रूप में ये सब जितना इंडेफिनिट प्रोनाउन रहे, इंडेफिनिट प्रोनाउन रहे, तो मेरा ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल के थोड़ा समझने की कोशिश है,
Anybody expects good news. यहां पे बनेगा क्या? Good news is expected. Good news is expected. ठीक है ना, तो यहां पे anybody जो है आपको क्या ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट देखिए, no one is helping me. तो यहाँ पे मी मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, इसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट. तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है आई. यहाँ पे लिखेंगे आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड. तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, नो वन इज हेल्पिंग मी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव कैसा था आई, आई के साथ लगा एम नॉट, क्योंकि यहाँ पे नो है नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा. और जब भी इज ए मारा है तो यहाँ पे बीइंग शब्द का यूज होता है, फिर इसके बाद हेल्प होगा बी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म. और इससे पता चल गया होगा कि आपका पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है. अब यहाँ पे ध्यान से कैसे कब बीइंग होता है, कब इज एम होता है, कब वाज वर्ब होता है, ये कैसे होता है, इस कलम को देखिएगा. यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल है, देखिएगा एक तरफ क्या किए एक्टिव वॉइस दिए, एक तरफ क्या पैसिव वॉइस. अगर मेरा किसी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट रूप हो यानी फर्स्ट फॉर्म हो तो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल को देखिएगा, सी राइट्स अ लेटर. मेरा यहाँ पे राइट्स क्या है, यहाँ पे क्या है B1 या B5 है, सॉरी देखिए B1 या B5 है, तो B1 यहाँ पे राइट्स क्या है मेरा B5 है. तो यहाँ पे सेंटेंस में बना क्या अ लेटर, देखिए ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बना अ लेटर इज, देखिए रूल के अनुसार इज रिटेन वर्ब का थ्री थर्ड फॉर्म क्या है राइट का, राइट का थर्ड फॉर्म और रिटेन बाय मी. यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में मी नहीं हुआ, सॉरी मी नहीं हुआ. यहाँ पे सी का क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस सी का हर होगा, यहाँ पे सी का क्या होगा हर होगा. ठीक है, तो मेरा सेंटेंस बना क्या सी राइट्स अ लेटर का पैसिव वॉइस बना अ लेटर इज रिटन बाय हर. ठीक है, इसी तरह अगर किसी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में इज एम आर और बीइंग यानी कि वर्ब का फोर्थ रूप रहे यानी आईएनजी रहे वर्ब के साथ, तो मेरा सेंटेंस जो पैसिव में बनेगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो एक सेंटेंस एग्जांपल को देखते हैं, आई एम हेल्पिंग यू. यहाँ पे देखिए आई मेरा क्या है सब्जेक्ट है, एम मेरा क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर आ गया और हेल्पिंग मेरा बी में आईएनजी है ना, हेल्प में आईएनजी लगा हेल्पिंग ऑब्जेक्ट में, यू क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है. इसका इस सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या बनेगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा. तो यू मेरा क्या बना यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में पैसिव वॉइस में, यू यू के साथ क्या लगता है आर लगता है, देखिएगा इज एम आर में इसमें यहाँ पे आर लगा. फिर बीइंग जब भी कंटिन्यूस में रहते हैं यहाँ पे बीइंग लगाएंगे और हेल्प का वर्ब थर्ड क्या होता है हेल्प्ड किसके द्वारा बाय मी. तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बना मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है मी. नेक्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में यानी कि आपका एक्टिव वॉइस में हैज हैव दिख गया तो आपको पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा या वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज कीजिएगा. अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे, जैसे आई एट, एट मेरा क्या है सेकेंड फॉर्म है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आई एट ए मैंगो. तो यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस बनेगा वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो इस सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मेरा क्या बनता है सब्जेक्ट अ मैंगो, अ मैंगो यहाँ पे लिए सब्जेक्ट रूप में. अब एक मैंगो यानी सिंगुलर है, सिंगुलर शब्द कौन सा लगेगा सिंगुलर वर्ब यानी कि वॉज लगेगा यहाँ पे, आई अ मैंगो वॉज इटन बाय मी यानी इट का वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ इटन और यहाँ पे मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बना. अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव में वॉज वर्ब रहे उसके साथ भी के साथ आई एन जी यानी कि भी फोर
यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहे तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह हैड हैड प्लस वर्ब थ्री रहे तो यहाँ पे आपका हैड के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा पैसिव वॉइस में। अगर आपका सेंटेंस में शैल विल कैन मॉडल वर्ब मे माइट कुछ भी ऐसा रहे या उसके बाद वर्ब वन रहे तो मेरा पैसिव वॉइस में जो मॉडल वर्ब दिया रहेगा शैल विल कुड मे माइट जो भी कुछ रहेगा उसके बाद मॉडल वर्ब रहेगा प्लस बी फॉर्म यूज करेंगे उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। अगर सेंटेंस में मेरा टू प्लस बी वन यानी टू के यानी इन्फिनिटिव रहे तो मेरा यहाँ पे पैसिव वॉइस में टू बी प्लस बी थ्री बनेगा, ठीक है ना। और ये आपका एक समरी के रूप में था पूरा वॉइस का, आपको बारी बारी से अच्छी तरह से पूरा टेंस को लेकर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।